दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ब्लैक शेडो कैसे आप बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल से ब्लैक शेडो, रेड या ब्लू या कोई भी कलर का शेडो पीएनजी बनाना चाहते हैं मात्र 1 मिनट में, तो दोस्तों ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं कि आप कैसे शेडो पीएनजी बना सकते हैं ब्लैक कलर वाला। तो दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट हम शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे बनाना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले ये टेक्स्ट वाले इसको डिलीट करना, यहाँ पर आपको डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना, यहाँ पर ओके कर देना। अब दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, यहाँ पे नीचे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन 4थे नंबर पे इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दूसरे नंबर ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर में प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको 4थे नंबर शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे शेप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कलर और ग्रेडियंट का। यहाँ पे क्या करना है, दूसरे नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर थोड़ा स्क्रॉल करना दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लैक एंड वाइट कलर वाला। ठीक है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये ब्लैक वाले को खींच करके नीचे और यहाँ पे इस वाइट वाले को ऊपर ले जाना। ठीक है, ब्लैक को नीचे और वाइट को ऊपर ले जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इस वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ ये वाइट वाला है ना, इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको आपको सबसे लो खींच के इधर कर देना है। ठीक है, और ये दूसरे नंबर को यहाँ पे आपको बीच में ले आना है कुछ इस तरह ले आना है। अब यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका शेडो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे शेडो बनकर तैयार हो गया है, इसको एडजस्ट कर लेना है आपको जैसे आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये शेडो देख सकते हैं बिल्कुल बन गया है। ठीक है, ब्लैक कलर का, इसको आपको रेड ब्लू बनाना है तो जो भी बनाना है आप रेड कलर ब्लू कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये फुल एडजस्ट हो गया, अब यहाँ पे टिक कर देना है। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों आपका फ़ोटो बिल्कुल गैलरी में सेव हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।